क्यूटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यकूब और आप देख रहे हैं क्यूटीवी भारत। रामपुर के गदा पाम गांव में जमीनी विवाद में परिवार के ही तहेरे भाई ने चचेरे भाई के ट्रैक्टर से ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, बाद में डंडों से की चाची की पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं की आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है और अपनी जान का खतरा भी बताया है। तो दौरा जमीनी विवाद चल रहा, मैं पहली बेची है और मैंने रकम नहीं मिली, पूरी अदा नहीं की। बाकी वो तो मेरा केस चल रहा है, स्टे हैगा इतने पंजाब के तहसीलदार के, बाकी मेरे सिविल कोर्ट कोर्ट केस चल रहा। फिर भी इन्होंने जबर दी, कल आके मेरा ट्रैक्टर तोड़ता इन्होंने। किन्ने तोड़ा? मेरे है कुंडिया ने। हाँ तो पार्टी ने मेरे को पूरा प्रूफ भी, आप वीडियो देखो एक बार। कल मैं जाने क्या, अज तक मेरी कोई एफ आर आई दर्ज नहीं की गई, ना ही कोई पुलिस वाला व्हीकल आया मौके पे। बाद में आए थे रात में, रात में 9 बजे आए। उल्टा मैनू कहंदे तू अपना ट्रैक्टर लेके थाने चलो और तुम भी चलो। मैं कह मैं क्यों जावा, ट्रैक्टर मेरा तोड़ा इन्होंने, इनको लेके जाओ। कह रहे नहीं तुम चलो पहले, फिर वो चलेगी पुलिस। अच्छा, कुल मिला के वीडियो में देखा जा रहा है कि आपका ट्रैक्टर तोड़ा जा रहा है, ठीक है, मगर पुलिस ने उसके बाद भी नहीं सुनी सुनवाई करी। क्या मांग करते हो आप? मांग ये करता हूँ मैं एडवी साहब से, सीएम साहब से, योगी साहब से, कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए, लिखा जाए और इनको इनको अंदर किया जाए, क्योंकि ये वो करते हैं गुंडागर्दी तीन थियारे। अच्छा, ये बताओ मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया आपने? हाँ जी मैंने की है, कल की है शाम को। तो उसके बाद भी कोई सुनो, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक, यहाँ पे हमारा बेटा सी ट्रैक्टर लेके गया था कि देखने गया था कि मेरा ट्रैक्टर हल्का है, मेरी जोतेगा नहीं जोतेगा, मैं मतलब ये देखने घुमाने गया था अपने खेत में, वो भी मेरा ही खेत है 379 नंबर उसी में। लेकिन इन्होंने जल्दी से अपना ट्रैक्टर ला के आगे लगा के जोर से ट्रैक्टर में मार मार के हमारा ट्रैक्टर तोड़ दिया और हम मुझे भी 3-4 डंडे मारे इन्होंने। पुलिस में गई, थाने गई? हाँ पुलिस में हम 3-4 बार पहले भी चले गए, सब एप्लीकेशन हमने दी, सीओ साहब के भी दी और हमने थाने में भी दी, हमारी किसी ने नहीं सुनवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे। उल्टा पुलिस हमें कह रही है कि तुम चलो, हमने कहा कि दरख्वास्त हम दे रहे हैं, आप हमारी सुनवाई नहीं करें, हम क्यों जाएंगे? मतलब पुलिस राजी नहीं है आपके बात? ना जी कोई राजी नहीं है, हम सिर्फ हमारे को यहाँ से निकालने के लिए ये कर रहे हैं, हमें मार देंगे जी, जान का खतरा है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा।